मॉडर्न फिजिक्स इसे बहुत खूबसूरती से बता रहा है, जैसा कि योग संस्कृति की परंपरा में कहा जाता था, शिव शव की तरह है, सर्वोच्च ऊर्जा लेकिन निष्क्रिय। अगर आप वैक्यूम अवस्था पैदा करते हैं तो अचानक वैक्यूम वाली जगह में वर्चुअल प्रोटॉन्स और वर्चुअल न्यूट्रॉन्स बनने लगेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने कैलाश में जो है उसे समझने की कोशिश की, वो उसमें ही विलीन हो गए। अगर आप साधन का सही उपयोग करते हैं तो ये आपको स्थिर होने देगा, ये बोध के मूल तक जाएगा। खालीपन आमतौर पर नेगेटिव, खालीपन का एक नकारात्मक संदर्भ होता है। हर कोई भरा हुआ होना चाहता है, कौन खाली रहना चाहता है, लेकिन इस पूर्णता की तलाश में ही लोगों ने खुद को बर्बाद कर लिया है। मुझे बताइए, आपकी जेब भरने में कितना पैसा लगता है? अगर हम $1 खरब देते हैं तो क्या यह भर जाएगी? अगर हम $10 खरब देते हैं तो क्या यह भर जाएगी? नहीं। आप कितना भी डालें, जेब भरी नहीं जा सकती। ऐसी कोई चीज नहीं है। कितना लगता है आपके मन को भरने में? कितना ज्ञान लगता है? अगर आप धरती के सभी पुस्तकालयों को पीसते हैं और इसे अपने सिर में डालते हैं तो भी यह नहीं भरेगा। अपना दिल भरने के लिए आपको कितने लोगों से प्यार करना पड़ता है? 7.3 अरब लोग, फिर भी जगह है, तो यह कभी पूरा नहीं भरता। तो भरने की कोशिश निरर्थक है। खालीपन हमेशा पूर्ण होता है। कृष्ण ने इसे बहुत खूबसूरती से बताया जब अर्जुन ने पूछा, आखिर इस सत्य की प्रकृति क्या है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये यही है, आप हां कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये वो है, आप हां कहेंगे। किसी और पल अगर मैं आपसे पूछता हूं तो क्या ये यही है, तो आप कहते हैं नहीं। अगर मैं पूछूं कि क्या ये वो है, आप कहते हैं नहीं। इस सत्य की प्रकृति क्या है? वो है कहां? कैसा है? किस रूप में है? तो कृष्ण हंसे और उन्होंने कहा, इस अस्तित्व में सत्य की प्रकृति ऐसी है कि जो विषैला दिखता है, अगर आप उसे ग्रहण करें तो वो जीवन का अमृत बन जाएगा। जो अमृत जैसा दिखता है, अगर आप उसे ग्रहण करें तो वो विष बन जाएगा। मुझे बताइए, क्या समूचे मानव जाति ने पूर्ण होने की खोज में अपने जीवन को विषैला नहीं बना दिया है? क्या हमने पूर्ण होने की खोज में पूरी धरती को नोच नहीं दिया है? जब हम कहते हैं शिव, हम उसकी बात कर रहे हैं जो है ही नहीं, यानी कोई डिब्बा नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो किसी तरह के डिब्बे में भरा जाए, ब्रह्मांडीय डिब्बे में भी नहीं। शिव की गोद में ही ब्रह्मांड घटित हो रहा है, क्योंकि यह वो है जो है ही नहीं। जब किसी को इसका बोध होता है या अनुभव होता है, हम उस व्यक्ति को भी शिव कहते हैं। इसी तरह से आदि योगी भी शिव कहलाए, क्योंकि उन्होंने उस आयाम को छुआ और उसके साथ एक हो गए। और इसे जानने का सिर्फ एक तरीका यही है कि आप इसमें विलीन हो जाएं। ये समझने से नहीं होगा, आप इसे समझ नहीं सकते। ऐसी तमाम कहानियां हैं जहां ये हुआ। ऐसे लोग जिन्होंने कैलाश में जो है उसे समझने की कोशिश की, वो उसमें ही विलीन हो गए। 14 साल पहले जब मैं पहली बार कैलाश गया और प्रत्यक्ष देखा, तब से मैं हर साल जा रहा हूं। पहले 2-3 बार जब मैं गया, वहां जो घटनाएं हो रही हैं, फिर मैंने कुछ लोगों के साथ योजना बनाई, चलो यहां आते हैं और 3-4 महीना यहां रहते हैं, हम पता लगाएंगे कि ये आखिर है क्या। जब मैंने उसके कुछ आयामों को छुआ तो मैं जान गया कि जब तक मैं इसे यहां समाप्त नहीं करना चाहता, आपको ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। तो अब मैं बस जाता हूं, बस विशाल उपस्थिति का आनंद लेता हूं और वापस आता हूं। क्योंकि अगर आप उसे समझने की कोशिश करते हैं तो इसे करने का एकमात्र तरीका इसके साथ विलीन होना ही है।
अभी इसका समय नहीं आया है। शिव का मतलब, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है और आज modern physics is going about saying this very beautifully as it was said traditionally in the yogic culture. Modern physics ये बहुत सुंदर तरीके से कह रहा है, जैसा ये पारंपरिक तौर पर योग संस्कृति में कहा जाता रहा है। शिव शव की तरह है, शव मतलब मृत देह, यानी कि निष्क्रिय। वो सक्रिय नहीं है, बस निष्क्रिय, सर्वोच्च ऊर्जा लेकिन निष्क्रिय। तो कहानी कुछ इस तरह है, शिव बस वहां लेटे हुए थे, शक्ति जो उनसे ही निकली हैं, वो वहां आई और नृत्य किया और वो अचानक जाग गए, क्योंकि शक्ति ने उनके शरीर पर नृत्य किया तो वो गर्जन करते हुए जागे, तो हमने उन्हें रुद्र कहा। फिर वो थोड़े शांत हुए तो हमने उन्हें हर कहा। फिर वो वास्तव में स्थिरता की एक शाश्वत अवस्था में स्थापित हो गए तो हमने उन्हें सदाशिव कहा, मतलब जो हमेशा शिव हैं। ये तुलना की गई है आज परमाणु वैज्ञानिक, मेरा मतलब वो नहीं, आज परमाणु मतलब लोग सोचते हैं कि ये सब ऊर्जा के बारे में है, उस संदर्भ में नहीं। मूलभूत भौतिकी इस बारे में बात कर रही है, अगर आप वैक्यूम अवस्था बनाते हैं, यानी कि जहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है और उसके अंदर नहीं, उसके चारों ओर अगर आप कुछ विद्युत आवेश छोड़ते हैं, तो अचानक वर्चुअल प्रोटॉन्स और वर्चुअल न्यूट्रॉन्स वैक्यूम स्थान में पैदा होने लगेंगे। एक ऐसे स्थान में जहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है, विद्युत आवेश भी नहीं, विद्युत आवेश सिर्फ उसके चारों ओर नृत्य कर रहा है। इसकी मदद से वर्चुअल प्रोटॉन्स और वर्चुअल न्यूट्रॉन्स बनते हैं। इसका मतलब है कि उस पूर्ण शून्यता में कुछ पैदा करना संभव है। तो पारंपरिक रूप से ऐसा कहा जाता है, शिव पूरी तरह से निष्क्रिय लेटे हुए थे। आप भारत में इस तरह की छवियां देखेंगे, शिव ऐसे लेटे हुए हैं जैसे मृत हों, शक्ति उनकी छाती पर खड़ी है और नाच रही है। उन्होंने इस तरह के चित्र बनाए। जब शिव का प्रभाव हुआ तो अचानक इस निष्क्रिय स्थान का गर्जन के साथ सक्रियता में विस्फोट हुआ, इसलिए उन्हें शुरुआत में गर्जन करने वाला या रुद्र कहा गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर चीज को उन सूचनाओं के टुकड़े द्वारा प्रमाणित करना पड़ता है जिन्हें विज्ञान ने अस्तित्व से बटोरा है। यह टेक्नोलॉजी के लिए कीमती है लेकिन आत्मज्ञान के लिए नहीं। दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक जानते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं जाना है, सिर्फ पुस्तक पढ़कर बने वैज्ञानिक ही सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। दुनिया के सर्वोच्च वैज्ञानिकों ने घोषणा की है, न सिर्फ हम जानते नहीं हैं बल्कि जानेंगे भी नहीं, वो कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि खोज के वर्तमान साधनों के साथ ये कहां तक जाएगा, कहां रुकेगा। आप इस कार्य प्रणाली के साथ इस्तेमाल का तरीका जान सकते हैं लेकिन समझने का तरीका नहीं। आपको इसे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको इसमें स्थिर होना चाहिए। अगर आप इसमें स्थिर हो जाएं, स्थिर हो जाएं, स्थिर हो जाएं, तो ये बोध के मूल तक जाएगा। कितनी जल्दी या कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर आपके पास जरूरी तीव्रता है तो ये एक पल में स्थिर हो सकता है, या इसमें 100 जन्म लग सकते हैं। समय तीव्रता और एकाग्रता के स्तर पर निर्भर करता है। इसमें सारी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग, क्योंकि दुर्भाग्य से शिक्षा बुद्धि के बारे में है, यह हमारी बुद्धि के केवल एक आयाम को पोषित कर रही है जिसे हम तर्क कहते हैं। इस वजह से हम सब कुछ तार्किक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ी रुकावट है। जब तक आप अपने स्वयं के तर्क में बंद हैं,
जीवन का जादू आपके सामने खुद को उजागर नहीं करेगा। यही कारण है कि प्रक्रिया को इस तरह से तैयार किया गया है, आप बस स्थिर हो जाएं। आप कहीं भी जाने की कोशिश ना करें, इसे बस स्थिर होने दें। जो अंदर से स्थिर हो जाता है वो गलत जगह पर नहीं जा सकता, है ना? अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप गलत जगह पर जा सकते हैं। आप भीतर की ओर मुड़ रहे हैं, आप गलत जगह पर जा ही नहीं सकते। आप जितनी गहराई में उतरते हैं आप सिर्फ स्रोत तक ही जा सकते हैं, आप कहीं और नहीं जा सकते। बाहर की यात्रा में आप जीवन भर के लिए खो सकते हैं ये जाने बिना कि आपके साथ क्या हो रहा है। भीतर की यात्रा ऐसी नहीं है। भीतर की यात्रा वास्तव में कोई यात्रा नहीं है, ये सिर्फ स्थिर होना है। संयमा की प्रक्रिया या उसकी कार्यप्रणाली संयमा नहीं है, यह सिर्फ एक साधन है। अगर आप उपकरण का ठीक से इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उपकरण की पूजा करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आप इसे सुरक्षित रखते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। साधन का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप साधन का सही इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको स्थिर होने देगा।